परेशानी। तो गाइस अभी बस मार्केट की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और ये हैं मेरे माली भैया जो हमेशा आते हैं और प्लांट्स मैं इन्हीं से लेती हूँ। तो एक फैमिली में नया मेंबर ऐड हो चुका है, तो सोचा वीडियो यहीं से स्टार्ट किया जाए और आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है। A little later. And इतना अच्छा वेदर है कि निकलने का मन है हम लोगों का। सिस्टर का कुछ काम है पेंडिंग, वो कर लेगी और मेरे को एक्चुअली थोड़ा मंदिर जाना था दर्शन के लिए, बट आई एम नॉट श्योर, इट लुक्स लाइक कि आंधी आ रही है तो जाना होगा या नहीं होगा, मे बी पोस्टपोन हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि जाना है हम लोगों को चितरंजन, आई मीन सीआर पार्क, सो लेट्स सी। वेदर तो वैसे काफ़ी अच्छा हो गया, अगर इसमें निकल सकते थे तो बहुत बेहतर होता, बट आई एम प्रेटी श्योर बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल 3 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ लंच करने और आप लोगों से शेयर करूँगी लंच में मैं क्या करने जा रही हूँ। और लिटरली वेदर इज़ सो ऑसम। फिर लंच का टाइम हो गया था, तो बाकी सबने लंच कर लिया था, मैंने और मम्मा ने लंच करना था, बहुत भूख लगी थी। तो लंच करने के बाद ये रहा मेरा आउटफिट और रेडी होके फिर मैं निकल गई सीआर पार्क के लिए। और वेदर अच्छा होने की वजह से ना, मतलब काफ़ी ईजली जाना हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब पसीना या फिर ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और थोड़ा रश भी आज कम था मेट्रो स्टेशन पे, अदरवाइज़ वीकेंड पे तो जानते ही हो दिल्ली में कितना रश होता है। दिल्ली, नोएडा या चाहे आप एनसीआर की ही कंप्लीट बात कर लो, बहुत रश होता है। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना सनसेट, तो मैंने सोचा चलो शूट करते हैं। ग्रेटर कैलाश पहुँचते ही हम लोग यहाँ पे इसे वॉल आर्ट या फिर ग्रेफिटी जो भी बोलो, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो मैं जब भी आती हूँ आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ अच्छी अच्छी चीज़ें। सो गाइस, फाइनली वी हैव ऑलमोस्ट रीच, अभी आप लोगों से बात करने का मौका मिला बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है। ग्रेटर कैलाश हम लोग पहुँच चुके हैं और घर से फटाफट रेडी होके निकली, तो फिर टाइम मेरे पास था नहीं इतना और वही सोचा कि चलो एटलीस्ट यहीं पर आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड और मैं भी देख लूँगी क्योंकि पूजा सर पे है और पूजा की जो शॉपिंग होती है मेन हम लोग की चितरंजन से ही होती है, क्योंकि पूजा की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम लोग मतलब यहीं पे आते हैं। जितने भी बंगाली आइटम्स और जो सारी चीज़ें होती हैं सब यहीं पे मिलती हैं। सो मैं भी देखती हूँ कि अभी मार्केट में नया क्या है, साथ में आप लोग भी चेकआउट करना। तो गाइज़ अभी बस मार्केट की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी चलना पड़ता है बट यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है। इस टाइम शाम भी हो गई और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को ये जगह, तो फिर चलना भी काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम लोग मार्केट में पहुँच गए थे, ये है मार्केट नंबर 2 और भाई के लिए सबसे पहले तो कुर्ता देखना था। तो यहाँ पे ना मतलब सोसाइटी में, सीआर पार्क की सोसाइटी में अलग अलग डिवाइडेड मार्केट है, तो हम लोग मोस्टली मतलब मार्केट नंबर 2 में आते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ भाई के लिए कुर्ता देख रहे हैं, तो जो रेड कलर का कुर्ता उठाया था वो मैंने सेलेक्ट किया था पहले, बट उसका साइज़ नहीं अवेलेबल हो रहा था, तो बाद में ये जो येलो वाला है वो लिया गया। काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्ते हैं, आप लोग जो बंगाली हो या फिर आप लोगों को अगर कुर्ता पसंद है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड पैटर्न में, यहाँ ज़रूर आ सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग मिठाई के शॉप पे आए, बंगाली और मिठाई से तो बहुत ही हम लोगों को लगाव होता है, तो यहाँ पे मिठाई वगैरह हम लोगों ने लिया। और ये मिठाई ऐसी है ना जो नॉर्मल मतलब मेरे घर के साइड में या नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलती, ये प्योर बंगाली मिष्टी है। जैसे फिर हम लोग आए थे वहाँ पे शॉप में, आप इतना ज़्यादा रश है, मतलब पूजा पूजा पूरी फीलिंग आ रही है। और ये जो शॉप है ना काफ़ी ओल्ड एंड बहुत फेमस शॉप है, वो उस
चीज़ के लिए। फिर फ़िश मार्केट आए थे, थोड़ा सा फ़िश लिया, और उसके बाद हम लोगों के पैरों में ना थोड़ी सी भी जान नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने कैब कर लिया। आप लोग इधर राइट साइड में देख सकते हो भंडारा चल रहा है, तो वो भंडारे की वजह से इतना जाम यहाँ पे लग चुका था ना, और निकलना मतलब काफ़ी टफ हो रहा था। ऑलराइट गाइस, सो वी आर हेडिंग बैक टू द होम। यहाँ पे हम लोगों ने सारे काम फिनिश कर लिए हैं और सारा सामान सब कुछ ले लिया है एंड जस्ट कैब बुक किया है, बिकॉज चलने की एकदम हालत नहीं रही। आते आते भी काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर मम्मा भी हैं घर पे तो जाना भी है, और कल मंडे है तो फिर ऑफिस भी है, तो बस अब फटाफट घर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, और सामान काफ़ी हो चुका है हाथ में एंड दैट्स इट। सो फिर घर पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। A little later. ये सारी चीज़ें सब बंगाली ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। जो मैं खा रही हूँ ये है पूली पीठे, ये ताल के सास से बना हुआ है, ये जो नारियल होता है ना बड़ा वाला, वो ताल। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। और ये है सारे कटलेट, पूरा हम लोग नहीं खा पाए थे, सारी चीज़ें हम लोग मतलब चार चार थी, तो हम लोगों ने बस पहले तो सबसे पहले फ़िश फ्राई ट्राई किया है एंड दिस वॉज सो ऑसम। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई और बाकी सारी चीज़ें रख दी थी। फिर मिष्टी जो हम लोगों ने लिया था, ये बंगाली ट्रेडिशनल मिठाई है, ये मिष्टी दोई, ये है लवंग लतिका, और ये है चमचम, ये है सीताभोग, और ये शौर भाजा, और ये है नोलिन गुड़ेर रसगुल्ला। The next day. गुड इवनिंग एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे। और कल का तो आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग गए थे सीआर पार्क, और फिर वहाँ से चीज़ें खरीदी थी, रात बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, और वैसे थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था इतनी दूर जाना, फिर वहाँ से फिर से मतलब वापस आना और फिर जाना। एक्चुअली भाई ने कुर्ता लिया था, और वो कुर्ता मतलब साइज़ में फिट नहीं हो रहा था, दिखाया कुछ और था, दे दिया था कुछ और, विच इज़ मतलब क्या बोलूँ, विच इज़ सो बैड। कस्टमर्स आते हैं इतनी दूर दूर से, और अब हम लोगों को फिर से दोबारा जाना पड़ रहा है। और अभी ऑफिस फिनिश किया है, और मैं और छोटी सिस्टर हम दोनों जाएंगे भाई का ऑफिस। आज तो वर्क फ्रॉम होम ही है, बट कुछ मीटिंग्स हैं, उसके कुछ कॉल्स हैं ज़रूरी, तो वो नहीं जा सकता, तो अभी हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। और ऑफिस से मैंने थोड़ा जल्दी मतलब लॉग आउट कर लिया, फिर भी 5:15 बज गए, 5 बजे लॉग आउट किया मैंने, और बस अभी निकलने की बारी है, तो फटाफट फिर निकलते हैं, और आगे का जैसा होगा फिर आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। इट्स सो पथेटिक। और मैं सोच रही थी कि हम लोग कैब से निकल जाएं, बट कैब चार्जेस आर सो हाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, 250-350 एक तरफ जाने का और 350-350 एक तरफ आने का, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो शायद हम लोग यहाँ से मेट्रो लेंगे, बट आते टाइम देख लेंगे कैसे क्या करना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कैसे आना होगा या फिर क्या। पीछे थोड़ा मिस है, इग्नोर करना, क्योंकि मैंने अभी भी कुछ भी मतलब ठीक ठाक करने का टाइम नहीं मिला था, कल बस हड़बड़ी में निकलना हुआ था, तो अभी फटाफट फिर निकलते हैं। बैक टू पवेलियन गाइस, घर के पास बहुत आ चुके थे हम लोग, और इसके बाद ना यहाँ पे एक बेकरी शॉप है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली, और उसके बाद फिर घर पहुँचना था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है घर। सो फाइनली गाइस केम बैक, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था बिकॉज़ काफ़ी रश में थे हम लोग, और मेट्रो में ना मतलब तबीयत अच्छी नहीं लग रही, कल ही हम लोग इतना मतलब गए, इतनी दूर थका के आए, फिर दोबारा जाना पड़ा। वो कुर्ते का साइज़ जो था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, छोटा बड़ा हो गया था साइज़, इस वजह से जस्ट सो जस्ट अभी बैक हुए। मिंत्रा से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, वही हम लोग ट्राई कर रहे थे, ट्राई दिया तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। कुर्ता जो हम लोगों ने एक्सचेंज करके लिया, वो भी भाई ने चेंज करके देखा, वो फिट आया है, सब कुछ एकदम अच्छा, टाइम पर पहुँच गए। तो अभी जा रही हूँ मैं डिनर के लिए कुछ प्रिपेयर करने,
पहले तो चाय पीऊंगी या फिर कॉफी पीऊंगी पहले। सो गाइस दिस इज़ माय डिनर। इट्स अ बैंगन का भरता जो मेरे को बहुत पसंद है और दो रोटियां हैं यहाँ पे। आने के बाद इतनी डेड टायर्ड हो चुकी हूँ ना कि अभी बस खाना बनाया है और अभी जा रही हूँ डिनर करने। डिनर करते करते कुछ यूट्यूब पे देखूँगी शायद ही और डिनर करूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करूँगी और सो जाऊँगी। कल ऑफिस है और एक जगह और जाना है, तो जैसा भी होगा कल का दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। बट अभी पहले डिनर करती हूँ और अपने काम को फिनिश करती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 11। अभी थोड़ा कुछ काम कर रही थी सिस्टर के साथ बैठ के, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो डेड टायर्ड बट काम तो करना है। तो फटाफट अभी खाऊंगी और काम पे बैठूंगी। अभी शावर ली हूँ तो अभी उजड़े चमन जैसा मेरा हाल है, सो इग्नोर दैट। बस अभी फटाफट खा लूँ। वैसे भी बैंगन का भरता इज माय ऑल टाइम फेवरेट और बहुत तेज़ भूख लगी है, दैट्स ऑल। वन इटर्निटी लेटर। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी ऑफिस फिनिश कर लिया है, अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और आज एक्चुअली जाना है टेलर के पास। अब सडनली टेलर के पास क्यों नहीं, मैंने सीआर प्राइस से कोई कपड़ा नहीं लिया था। मैं बता देती हूँ, ये मैंने कपड़े के पीसेस लिए थे और ये है वो, ये कपड़े के पीसेस हैं, ये है समीज और ये है खैर दुपट्टा और ये है शलवार। सो समीज एंड सलवार का ये पीस है जो मैंने यहाँ से नहीं लिया है, ये मैंने लिया था जयपुर जब मैं घूमने गई थी, आई गेस इट वॉज 2019, और उस टाइम मैंने इसे परचेस किया था जयपुर हैंडलूम से। ये आपका आमेर का जो किला है, आमेर फोर्ट है, आमेर फोर्ट के अंदर ही, मतलब बाहर निकलते उसके राउंड में बैक में जाके ही फोर्ट का ही वो मतलब पोर्शन है, वहां है जयपुर हैंडलूम, अगर मैं गलत नहीं हूँ जयपुर हैंडलूम ही है, हैंडलूम तो है, जयपुर हैंडलूम, हाँ जयपुर हैंडलूम है। मैंने वहां से इसे परचेस किया था। प्राइस वाइज क्या है मैं भूल गई, कोविड आ गया तो उसमें मैं बना नहीं पाई, और फिर मैं जिम जाती थी एक्सरसाइज करती थी और घर बैठ के फिर जब कोविड आया और फिर रेगुलर वर्कआउट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो मतलब इट वॉज मस्ट अप। स्टिल जो मेरा ये फैट जो मेरा ये गेन हुआ है ना, ये जिम छोड़ने के बाद ना वर्कआउट ना कुछ, सिर्फ खा रही थी मम्मी के हाथों से अच्छा अच्छा और मतलब काम कर रही थी, दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे, तो इसी का नतीजा है, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा हो गया, इतना आराम से मतलब नहीं देना चाहिए बॉडी को। एनीवेज तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मैं जाऊंगी वैसे टेलर के पास आज देने, तो मैंने सोचा ये है वो पोर्शन ये, और बहुत ही सिंपल सा है, प्रिंटेड बांधनी सूट है ये, और बांधनी का ये अलग पैटर्न है और ये कॉटन कपड़ा है, तो पहनने के बाद बहुत रिलैक्स होगा, और ये शलवार है और ये इसका दुपट्टा है। चलो इसको फटाफट अब दे आते हैं, टेलर पता नहीं कब देगा, ये दुर्गा पूजा के लिए वैसे है नहीं, ये दिवाली में घर पे पहन सकती हूँ मैं अगर ये बन जाता है तो, अगर दे आती हूँ वो तो, इसीलिए मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ दे आऊँ बट नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आज जा रही हूँ और जाके इसको दे के आऊंगी टेलर को। लेट्स सी कब देता है क्या करता है। सिस्टर को भी जाना है मेरे साथ, उसको अपनी साड़ी में फॉल एंड पीको का काम करवाना है, तो हम दोनों ही साथ जाएंगे और जाके इसे देखने आएंगे, और आने के बाद जैसा भी होगा मतलब ये जब बन के आएगा तो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगी कि कैसा बना है। मैं इस टेलर को पहली बार यहाँ पे देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे रेडीमेड सूट्स ही पहन लेती हूँ, सलवार कमीज मैंने कभी पहनवाया नहीं है इस टेलर से जिसको मैं देने जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट, अगर वो अच्छा बनाता है तो फ्यूचर के लिए भी और भी कपड़े मैं स्टिचिंग करवा सकती हूँ, बट लेट सी ये कैसा देता है मेरे को, सी के फिटिंग्स कैसी आती है, और बनने के बाद आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। 2,000 years later. गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने अपना ऑफिस डन कर लिया है, ऑफिस खत्म हो चुका है। सूट पीस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो जयपुर से मैंने लिया था वो मैं देने जा रही हूँ, साथ में भाई बहन भी जाएंगे क्योंकि सिस्टर का भी वो सूट पीस है, उसे भी देना है स्टिचिंग के लिए, तो और साइड बाय साइड 2-3 काम है जो हम लोग साथ में कंप्लीट करते हुए घर वापस आएंगे। तो गाइस हम लोग ये मेन मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले सिस्टर को लेना था अपने फोन के लिए सॉकेट, वो काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। और दिवाली आ रही है ना, मार्केट में थोड़ा थोड़ा रश अब बढ़ रहा है और दिवाली के टाइम तक तो बहुत ज़्यादा रश होगा। फिर सेकंड काम जो था वो था भाई के वॉच का बेल्ट
कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, उसे चेंज करवाना था। तो हम जस्ट शॉप में हमेशा जाते हैं, वॉच का काम बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे, तो इन्हीं के पास आके हम लोगों ने चेंज करवा लिया। घड़ियाँ देखो गाइस, मस्त मेरे को लगा। फिर उसके बाद मैं निकल गई कालीबाड़ी मंदिर के लिए। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा बहुत काम, मतलब जितना था, एक दो काम था जिस वजह से गई थी मार्केट, तो वो काम हो चुका है। और उसके बाद अभी जा रही हूँ, बहुत दिन से मेरे को जाना था, यहाँ पे कालीबाड़ी मंदिर है तो दर्शन करने जाना था, तो अभी जा रही हूँ बस वही दर्शन करने। दर्शन करने के बाद फिर जाऊँगी शायद टेलर के पास, टेलर वाला काम अभी हाथ में ही है मेरे, और वो करके फिर घर वापस जाना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो पंडाल का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और दुर्गा पूजा का यहाँ पंडाल बनने वाला है, क्योंकि काली मंदिर में ही यहाँ दुर्गा पूजा होती है, तो पंडाल का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ गाइज हम लोग कालीबाड़ी मंदिर में पहुँच चुके थे, और आप लोगों को दूर से दर्शन करवा देती हूँ, बिकॉज़ अंदर जाने के बाद मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, और मतलब मन को काफ़ी शांति मिली मंदिर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया पूजा होती है, तो पंडाल का काम स्टार्ट हो गया था, मतलब पूजा फीलिंग आ रही थी, तो दर्शन हम लोगों ने कर लिया था, और फिर हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर वहाँ से रिक्शा ले लिया, वो मैंने शूट नहीं किया, फिर टेलर शॉप में पहुँचे। ऑन दी वे सिस्टर ने बताया कि वो अपना सूट पीस अभी नहीं देगी, तो उसने पहले अपना साड़ी दिया। ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी भैया को कि ब्लाउज पीस कैसे कट करके निकालना है और फॉल्टी को करना है, तो उसने साड़ी दे दी। और उसके बाद मैंने फिर अपना ये शलवार कमीज दिया, तो वो भैया से बात हो रही थी कि कैसे क्या बनवाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से कम्प्लीट करने के बाद अगेन बेकरी शॉप में आ गए और ये सारी चीज़ें ली थी हम लोगों ने, क्योंकि भूख भी लगी थी। शाम के 7 बजे निकले थे और ये रात के 10 बज रहे थे, और लास्ट एक काम बचा हुआ था, तो हम यहाँ पे आए थे ये शोरूम में स्पेक्स के लिए, क्योंकि भाई स्पेक्स यूज़ करता है और उसका कुछ रिपेयर करवाना था, तो वो भी डन हो गया। बेकरी शॉप से आने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आए थे, तो सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्लिम्स दे दूँ। और ये पोटैटो चिप्स, फिर बनाना चिप्स, क्रीम रोल, और इंस्टेंटली कुछ खाने के लिए सैंडविच वगैरह लेके आए थे। और शो स्टॉपर जो था इसमें था नान खटाई, जो सबको बहुत पसंद है। तो बस यही सब चीज़ें थी, इसके आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थक चुकी थी, डिनर बनाना था उसके बाद, और रात के 12:30 बज गए थे खाना खाते खाते। तो वीडियो अगर अच्छा लगे गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिल्म मिलती हूँ आप लोगों से, टेक केयर।